आपका टेलर लॉन्च हो रहा है, बहुत ही बढ़िया टेलर बना है, लॉन्च हो चुका है जी, क्या कहेंगे उसके बारे में? काफी अच्छा लुक दिख रहा है उसमें। हाँ, ये भागवत गीता का ट्रेलर आज सुबह ही रिलीज हुआ है 6:30 बजे SRK म्यूजिक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो काफ़ी सुबह से मैसेजेस आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं कि भोजपुरी में एक अलग टाइप की मूवी बनी है, और हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि इसका पिक्चराइजेशन बहुत बड़ा हो। लोग हमेशा ये बोलते रहते हैं कि साउथ की मूवी जैसी पिक्चराइजेशन भोजपुरी में नहीं होती है और नहीं बनती है वैसी पिक्चरें। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार भागवत गीता का आप लोग ट्रेलर देखिए, आपको खुद फील होगा कि हम लोगों ने कैसी कोशिश की और इस पिक्चर को बनाने में कितनी मेहनत लगी है। आप जब देखेंगे तो खुद आपको ये महसूस होगा कि कितना मेहनत लगा है इसमें, एक एक चीज़ पे, एक एक बारीकी पे हम लोगों ने ध्यान दिया कि इसके कॉस्ट्यूम कैसे रहेंगे, बैकग्राउंड के साथ कॉस्ट्यूम कैसा होगा, कि वैसा नहीं कि गए सेट पे और कोई भी लोकेशन हो, कोई भी कपड़े हो, पहन के कर लिया, वैसा नहीं। सिनेमा बनाने के लिए बहुत मेहनत लगता है, बहुत ये कोशिश करनी पड़ती है कि अच्छा चीज़ प्रेजेंट कैसे हो। और मैं एक मतलब ट्रेंड एक्टर हूँ, मतलब सीखा हुआ एडिटिंग से लेके हर चीज़, तो मैं कभी भी मेरे से वो गलत चीज़ें होती नहीं हैं। तो मैंने कोशिश की है कि भागवत गीता को एक नए तरीके से प्रेजेंट करें भोजपुरी में, और वो कोशिश आज सफल होते नज़र आ रही है। सब लोगों ने इतना ट्रेलर को प्यार आशीर्वाद दिया है, सारे लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। तो गाने जो है बहुत अच्छे बने हैं, एक नई क्वालिटी भोजपुरी में देखने को मिल रही है जी। म्यूजिक का कैसा है कि चाहे वो हिंदी हो या भोजपुरी हो या कोई भी लैंग्वेज के फिल्में हो, एक वीडियो एल्बम का म्यूजिक और सिनेमा का म्यूजिक में बहुत फ़र्क होता है। सिनेमा का म्यूजिक जो होता है या गाने जो होते हैं वो कहानी के हिसाब से होता है, और एल्बम में फ्री स्टाइल होता है, उसका कोई आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं होता है, कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए। और हम लोगों ने एक चीज़ को रखा था कि म्यूज़िक जो हो, इसके गाने जो हो, वो कहानी से कनेक्टेड हो। तो कहीं भी आप फिल्म में भी देखेंगे तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि गाना बीच में आके डिस्टर्ब कर रहा है कहानी को, वो कहानी को आगे बढ़ा रहा है, और बिना मतलब के एक भी गाने नहीं है। और सारे गाने में कुछ ना कुछ एक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है, जैसे अभी काफ़ी ट्रेलर में वो गाना है जोगिया रे, जो काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं उस गाने को। उस गाने में हम लोगों ने एक टेक्निक क्या इस्तेमाल किया कि ज़्यादातर लोग हाई स्पीड शूट करते हैं लिपसिंग को 48 फ्रेम में, जो कि लिपसिंग 48 फ्रेम जो कैमरा का होता है उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम लोगों ने इस गाने में 250 फ्रेम का इस्तेमाल किया है, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है अगर लिपसिंग में हम 75 फ्रेम में भी जाते हैं। तो ऐसे एक कमाल का टेक्निक जो मुझे नहीं लगता आज तक भोजपुरी में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है कि 250 फ्रेम में हाई स्पीड सॉन्ग भोजपुरी में शूट किया गया है। और दूसरा एक गाना है इस्कन इस्कन, जिसमें BFX का टेक्निक इस्तेमाल किया गया है, उसमें लाइव लोकेशन को यूज़ करते हुए कई कैरेक्टर को एक साथ स्क्रीन पे मोशन दिया गया है कैमरा मूवमेंट के साथ में। तो और तीसरा एक है कि आप स्क्रीन पे देखेंगे, एक गाना है जो कि दो दो कैरेक्टर एक साथ आपको स्क्रीन पे दिखने को मिलेगा। तो ऐसे कई टेक्निक इस्तेमाल हुए हैं पूरे फिल्म में, जबकि एक लव स्टोरी फिल्म है लेकिन BFX का बहुत इस्तेमाल किया गया है। एक लव स्टोरी फिल्म है लेकिन एक मैसेज देने की बात कही जा रही, भागवत गीता जी पारिवारिक संबंधों को भी दर्शाती है, इस तरह की क्या प्रतिक्रिया? देखिए, हमारे लिए बहुत ये था कि भागवत गीता एक टाइटल है, कॉन्ट्रोवर्शियल मुद्दा ना बने, ये ना हो, वो ना हो, तो हम लोगों ने सिर्फ उस चीज़ को नाम में इस्तेमाल किया कि एक लड़के का नाम भागवत है और लड़की का नाम गीता है, जो कि एक कॉमन नाम होता है UP बिहार या हर जगह पे, भागवत और गीता। और जो ग्रंथ का नाम है वो एक्चुअली है श्रीमद् भगवद गीता, तो वो ग्रंथ से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट एक नाम है लड़के का और लड़की का। और जैसे रामलीला आई तो लड़के और लड़की का नाम होता है उसमें हीरो हीरोइन का, वैसे ही एक है ये। इसको हमने ग्रंथ को कहीं से भी कोई टच नहीं किया है, क्योंकि वो महान ग्रंथ है हम लोगों का भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता। तो ये है भागवत गीता फिल्म का नाम। और लव स्टोरी इसमें ऐसा दिखाया गया है कि एक नेचुरल लव स्टोरी, जो हर किसी के लाइफ में, आप फिल्म जब देखेंगे रिलीज होगी तो, कि हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट होगा जो आपको इस फिल्म में लगेगा, छत वाला प्यार हो, या कैसे गाँव में एक जगह रहते हैं तो कैसे प्यार होता है, और कैसे एक जब प्यार में आदमी एकदम अंत तक पहुंचता है, तो कई सस्पेंस है इसमें फिल्म में।
और मेन देखिए कहानी, सिनेमा के लिए कहानी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, कहानी से बड़ा चीज़ होता है उसका स्क्रीन प्ले और प्रेजेंटेशन। कि आप एक सिंपल सी बात है कि कोई लड़की एक लड़के को आई लव यू बोलता है, ये तो एक कहानी मतलब एक सीन हो गया डायलॉग, तो अब ये सिनेमा में कैसे प्रेजेंट होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि आई लव यू बोलेगा कैसे, तो वही सिनेमा है। क्योंकि कहानी तो जितने अभी संगीत में 7 सुर होते हैं वही 7 सुरों में ही गाने बहुत सारे बनते हैं, सुर नहीं बदलता है, कहानी भी वैसी ही होती है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका बदल जाता है। तो ये जो भागवत गीता है वही है, इसका प्रेजेंटेशन अलग है, यूनिक है। गाने को हम लोगों ने ऐसा नहीं कि छाप दो कर दो, एक एक शॉट पे ध्यान दिया और एक मीनिंग है उस शॉट का। वो आप ट्रेलर को देखिए, SRK म्यूजिक के आप यूट्यूब चैनल पे है, जल्द से जल्द जाके देखिए उसको, आपको खुद पता चल जाएगा कि एक्चुअल में सिनेमा ये होता है। कुल मिलाकर ये फिल्म कब तक आएगी दर्शकों के लिए, उसके बारे में? दर्शकों तक फिल्म कोशिश रहेगी कि जल्दी आ जाए थिएटर में, अगले महीने प्लान है इसको रिलीज़ करने का। और क्योंकि फिल्म बड़ी बनी है तो मैं चाहता हूं कि थिएटर के ऑडियंस तक भी पहुंचे, टीवी पे भी पहुंचे और उसके बाद सोशल मीडिया पे आएगी आगे। जब ये थिएटर में रिलीज़ होता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थिएटर में ही जाके इस फिल्म को देखिए, क्योंकि बड़ा सिनेमा जो हम लोगों ने बड़ा कोशिश किया है, बड़ा फ्रेम लगा के, तो ये बड़े स्क्रीन पे ही अच्छा लगता है। ये टीवी के लिए तो है ही, बाद में एकदम आप पूरे परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं, टाइटल को ध्यान में रखते हुए कहीं एक गंदगी लिरिक्स से लेके डायलॉग से लेके सीन ऐसा आपको कहीं भी एक डबल मीनिंग चीज़ें नहीं दिखेंगी। आपने बलगरता की बात कही अभी जी, तो एक परिवार के साथ देखने लायक फिल्म है, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया, साफ सुथरी फिल्म बनाई है जी। कुछ लोग हैं जो भोजपुरी फिल्मों को सिर्फ डोमिनेट करने पे लगे हैं एल्बम के जरिए या यूट्यूब पे गानों के जरिए, इस बारे में आपके क्या प्रतिक्रिया? देखिए मैं एक बात बोलूँगा कि वो उनको शायद कहने के लिए है कि वो अपने आप को भोजपुरी बोलते हैं या भोजपुरी से प्यार है, वो लोग ज़्यादा जताते हैं अपने आप को कि मैं भोजपुरी से प्यार करता हूँ। अगर आप भोजपुरी से प्यार करते तो अपने घर के लोगों को ही गाली नहीं देते, आप एक आइडियल बनते हैं कि मैं आपको लाखों लोग देखते हैं और लाखों लोग फॉलो करते हैं, आप जैसा करेंगे लोग भी वैसा करेंगे, आपके फैंस भी वैसे करेंगे, यही चलता है, यही होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आज देखिए अभी बहुत सारे एग्जांपल हैं, साउथ इंडस्ट्री, तेलुगु, तमिल, उन लोगों में ऐसी यूनिटी है, वो लोग भी चाहते तो गंदगी पर उसके अपने आप को बड़ा बना सकते थे, लेकिन गंदगी से कोई बड़ा नहीं होता है, उसको हमेशा जाना जाएगा लेकिन गलत रूप में जाना जाएगा। कहा जाए तो एक बहुत बड़ा ओसामा बिन लादेन भी अगर बोले तो उनका भी नाम सब जानते हैं लेकिन गलत तरीके से जानते हैं, अब्दुल कलाम आज़ाद का भी नाम सब जानते हैं लेकिन रिस्पेक्ट के साथ जानते हैं। पहचान बनाना, नाम बनाना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आपका नाम किस इस रिस्पेक्ट से लिया जाता है, वो बड़ी बात होती है, नाम बनाना बड़ी बात नहीं है, नाम तो आदमी कैसे भी बना सकता है। भोजपुरी के कुछ कलाकार हैं रातों रात स्टार बनने की चाहत में कुछ भी उलझुल पेश करते हैं। वही तो मैंने बोला कि आप गलत तरीके से रातों रात स्टार तो बन सकते हैं, कर सकते हैं, कॉन्ट्रोवर्सी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आप उससे रिस्पेक्ट नहीं पा सकते हैं। आपको कुछ टाइम के लिए लोग बोल सकते हैं कि क्या बात है सर, कितना अच्छा किया आपने, ये किया वो किया, लेकिन पीठ पीछे वही आपको गाली भी देंगे, आपको लगेगा कि हम बहुत बड़े आदमी हो गए हैं, लेकिन ये आपकी गलत फहमी होती है। जो भी लोग ये कर रहे हैं एल्बम के जरिए, और क्योंकि एल्बम में सेंसर नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, तो जो मर्जी बना के डाल दिया, ये इसको गाली दे रहा है, वो उसको गाली दे रहा है गाने के जरिए, वो मतलब क्या चल रहा है, आप ये नहीं समझ रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री से आप हैं, हम हैं, सब हैं, आपकी एक गलती के वजह से हम सबको नुकसान भरना पड़ता है, सबको नुकसान होता है। आज अगर कोई किसी को 5,000 मिल जाए तो 5,000 के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, मतलब चिल्लर जमा करने से अच्छा है कि इंडस्ट्री को बड़ा बनाइए, इंडस्ट्री बड़ा बनेगी तो सबका भला होगा और सब अच्छा अमाउंट पाएंगे, अगर रिकवरी बड़ा होगा तो सबका पेमेंट भी बड़ा होगा। आज कई लोग टेक्नीशियन और आर्टिस्ट बोलते हैं अरे पेमेंट ही नहीं है क्या करेंगे, गलती सबने की है, एक्टर भी बोलते हैं हमें तो पेमेंट ही नहीं मिलता है इतना मेहनत करने के बाद, क्योंकि आप भी तो वही कर रहे हैं, आप गलत चीज़ें परोस के सोचते हैं तुरंत से हम स्टार बन जाएं, तुरंत हिट हो जाएं, हिट हो जाते हैं लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद, अभी लगातार आप देखेंगे कई सिंगरों का रोज़ गाना आ रहा है, रोज़ गाना आ रहा है, आज व्यूज़ कम हो गए, व्यूज़ कम, अगर रियल व्यूज़ देखा जाए तो बहुत कम हो गए, पेड प्रमोशन कर करके ऐड डाल डाल के आप व्यूज़ मिलियन में दिखाते हैं, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आप खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं, जब आपकी रियल
वीडियो आती है कहीं पर आप डाल दिया जाए जहाँ पेड प्रमोशन ना हो, तब आप देखिए वो आपकी जो भी हो, मैं हूँ या कोई हो, वो रियल हैसियत है आपकी। तो ये चीज़ को एक्सेप्ट, खुद को एक्सेप्ट करिए। और इंडस्ट्री के लिए ये बहुत हानिकारक है, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन आप इंडस्ट्री के बारे में सोचिए। अगर इंडिया में जितने प्लेयर हैं क्रिकेट प्लेयर, वो अगर अकेले अकेले खेलेंगे तो इंडिया कभी नहीं जीतेगी। वो एक टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, एक साथ खेलना पड़ता है। अगर हम लोग मिलके एक साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए काम करेंगे तो भोजपुरी इंडस्ट्री का भला होगा, उसमें सबका भला होगा। बात करें आपके भागवत गीता की जी, जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है, उसके और भी को स्टार डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में थोड़ी जानकारी दर्शकों के लिए। जी, इसमें जो इस फिल्म को जो डायरेक्ट किया है वो सुनील उपाध्याय जी हैं, और उन्होंने मतलब सहारा में वो एडिटिंग चीफ एडिटर रह चुके हैं, और एडिटिंग में उन्होंने प्रोमैक्स अवार्ड भी जीता है काफ़ी। उसके बाद उन्होंने अभी किल दिल करके एक वेब सीरीज डायरेक्ट की थी हिंदी की, और सहारा के लिए एक हिंदी फिल्म की। तो जब मैंने उनको देखा कि वो अच्छा मेकिंग कर रहे हैं, अच्छा चीज़ें प्रेजेंट कर रहे हैं, तो हम लोगों ने, क्योंकि जब हम फिल्म बनाने जा रहे थे तो एक सेंसेबल आदमी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिनेमा एक आदमी से नहीं बनता है, ये टीम वर्क है। और हर किसी का जो आप बोल रहे हैं वो सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं पा रहा है, आप किस टाइप के टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो टेक्निक उनको पता होना चाहिए तब वो शूट करेंगे। तो ऐसे ऐसे लोगों को हम लोगों ने इकट्ठा किया चुन चुन के, जैसे इनके इस फिल्म के जो DOP हैं, जो सिनेमाटोग्राफी है, बहुत क्लास है इस फिल्म का, अयूब अली खान जी हैं इस फिल्म के DOP, और उन्होंने बहुत बारीक पे ध्यान चीज़ों पर, आप ट्रेलर में देखेंगे तो उन्होंने बैक लाइट का बहुत इस्तेमाल किया। नॉर्मली क्या होता है कि सामने से लाइट लगा दिया, कर लिया, सो बैक लाइट की हेयर पे कैसे लाइटिंग होगा या चेहरे पे हाफ लाइटिंग कैसे होगा, तो इसमें फ्लैट लाइट बहुत कम है और पैच लाइट, हाफ लाइट बहुत इस्तेमाल किया गया है इसमें, जो एक सिनेमेटिक लुक देता है, जो आज देख के लगता है कि ये सिनेमा लग रहा है। उसका रीज़न वही होता है कि आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए, सिनेमेटोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, तो वो लुक आता है, नहीं तो ड्रामा तो हर फिल्म में होता ही है। आपके साथ को स्टार हैं, को स्टार रितु सिंह जी हैं इस पे, और उन्होंने, उनके साथ तो मेरी काफ़ी फिल्में आई हैं और काफ़ी अच्छा भी रहा। पहली फिल्म थी हम लोगों की बिन तेरे हो साथी रे, जो कि काफ़ी रिस्पांस अच्छा रहा। रिसेंटली जी गंगा पे फिल्म रिलीज़ हुई थी वंश, जिसको भी काफ़ी प्यार मिला, बहुत अच्छी TRP रही उस फिल्म की, और बहुत लोग इमोशनल होके फेसबुक पे और चीज़ों पे लिख रहे थे। हम लोगों की वहाँ पर बहुत अच्छी वो केमिस्ट्री थी, लोगों ने ऐसा कहा। अभी भागवत गीता में जब इसका प्रीमियर रखा गया था अपने यूनिट और इंडस्ट्री के कुछ लोगों के लिए, तो आपको मैं लिटरली बताऊं कि एंड में कई ऐसे आर्टिस्ट थे जो इस फिल्म के भी थे, मुझे हक करके वो रोने लगे, और बहुत मतलब उनको चुप कराना पड़ रहा था कि ऐसा इस भागवत गीता का ऐसा क्लाइमेक्स है कि आपको रुला देगा, और बहुत सस्पेंस है। और रितु ने और सब ने, CP भट्ट जी ने, सोनिया मिश्रा जी हैं, और पुष्पेंद्र जी हैं जो छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री के हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं वो हैं, तो ये सारे लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया अपने अपने कैरेक्टर में रह के, जिसके वजह से वो कहानी आज प्रेजेंट हो पाई। और सब कलाकारों का योगदान होता है, मैंने कहा टीम वर्क है ये, और आपके सारे एक्टर ने अच्छे किया, टेक्निकल डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा किया, तो सबको बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मिल के एक ऐसा सिनेमा दिया भोजपुरी इंडस्ट्री को, जो आज सब लोग कह रहे हैं कि ये होता है सिनेमा, जिसको कहते हैं सिनेमा, ये प्रोजेक्ट नहीं है, ये सिनेमा है। थैंक यू सो मच।